ओम शांति। मेरा नाम वत्सल है, मैं बड़ौदा का निवासी हूँ और मैं छोटा था तब से बहुत शरारती नॉटी था, बहुत स्केटिंग में नेशनल चैम्पियन बना। बचपन से मेरा सपना था, मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था इसलिए सपना था कि मुझे इंजीनियर बनना है और फिर अमेरिका अभ्यास करने जाना है। 9th स्टैंडर्ड तक ऑल राइट था, 10th स्टैंडर्ड में आया तब मुझे बुखार आया और मेरी आईसाइट चली गई। मैं 15 दिन बेहोश था, कोमा में था। कोमा से बाहर आया तब देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, एकदम पैरालिटिक हो गया था। तो अच्छा होने में 1.5 साल लगा। काफ़ी परेशानी आती, काफ़ी मुश्किलें आती, काफ़ी बार मैं रो पड़ता, मेरी कसेट इधर उधर चली जाती, रख देता मैं, कोई बार कसेट टूट भी जाती, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा और राइटर रख के एग्ज़ाम्स देता था। इस तरह 10th, 11th, 12th कंप्लीट किया, फिर ग्रेजुएशन करने का सोचा तो MS यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ मेरी मम्मी भी मेरे साथ आती रोज़ कॉलेज में और नोट्स लिखती, घर आकर कसेट्स बनाती। पहले साल में जर्मन सीखा, फर्स्ट क्लास के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया BA विथ ऑनर्स के साथ। कॉलेज में मेरे फिर मैं कंप्यूटर भी सीखा और मेरी जो सब किताबें थी वो स्कैन करने में आती और फिर मैं सब टेक्स्ट बुक्स सुनता कंप्यूटर पे। मुश्किलें तो बहुत आती, हर घड़ी मुश्किलें आती। मुझे तो बिजनेस में बचपन से ही इंटरेस्ट था क्योंकि मैं बिजनेसमैन का सन हूँ ओरिजिनली। MBA शुरू किया, इसी तरह मम्मी ने ऑडियो कैसेट्स भी बनाई और कंप्यूटर में भी बुक स्कैन की गई। 4 सेमेस्टर थे और चारों सेमेस्टर में मुझे फर्स्ट क्लास में मार्क्स से मैं पास हुआ। काफ़ी नॉलेज मिला, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह सब्जेक्ट्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। फिर MBA कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना फैमिली बिजनेस है वो ज्वाइन किया। हमारी अचार की फैक्ट्री है और हम जो अचार बनाते हैं वो 90% सब जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो एक्सपोर्ट होता है USA, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा वगैरह देशों में। और हमारी ऐसी पहली कंपनी है भारत की अचार की कि जिसने ISO और HACCP ये 2 क्वालिटी सर्टिफिकेट्स मिले हैं। मेरे पापा को 2 बार नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति की ओर से मिला है। मनमोहन सिंह ने दिया है 1 बार अवार्ड और दूसरी बार प्रतिभा पाटिल। नरेंद्र मोदी ने भी 3-4 बार अवार्ड दिया है। तो फिर मैं बिजनेस में जुट गया और कंप्यूटर की थोड़ी ट्रेनिंग भी ली, ईमेल इंटरनेट वगैरह आ गया मुझे। मोबिलिटी अहमदाबाद ब्लाइंड स्कूल में सीखने गया था। मुझे बचपन से बैठे रहने का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमेशा नया नया सुनते रहना, नया नया सीखते रहने का बहुत इंटरेस्ट है बचपन से ही। किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। तो इस तरह मैं बिजनेस में जुट गया और मैंने जो पढ़ाई की उसमें जो कुछ भी सीखा मैं वो अप्लाई करता हूँ फैक्ट्री पे। मेरे पास मेरा लैपटॉप होता है और मोबाइल होते हैं, दोनों में टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, तो मुझे बिजनेस हैंडल करने में काफ़ी आसानी महसूस होती है। मीटिंग्स और सेमिनार्स होते हैं वो सब अटेंड करता हूँ, अपना ओपिनियन देता हूँ, अपनी राय देता हूँ। जहाँ कंपनी को बेनिफिट होता है वो वहाँ भी अपनी राय देता हूँ, वर्कर्स को मोटिवेट करता हूँ। तो इस तरह मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, पीछे का कभी नहीं देखता हूँ और नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। हाँ, कोई बार पास्ट का याद आ जाता है या ऐसा कोई बार महसूस होता है कि भगवान ने, ईश्वर ने मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया, मुझे ही क्यों ऐसा डिफेक्टिव पीस बना दिया। लेकिन पहले काफ़ी नेगेटिविटी थी, लेकिन जब से ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाने लगा तो इस तरह मैं करीब एक साल से ब्रह्मा कुमारी से अफिलिएटेड हूँ या ज्वाइन हूँ और मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाता हूँ तो वहाँ शांति बहुत मिलती है, वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है, वहाँ जाने को जी करता है और वहाँ जाकर बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है।
और ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाता हूँ तो शांति तो मिलती है और मेरा मेरे मस्तिष्क पे जो तेज है, वो आँख में जो चमक है वो बढ़ती जाती है। ये सीक्रेट है।